नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ टीवी में। आपके साथ मैं हूँ यशी दुबे। टीहरी के बादशाही हॉल स्थित श्री देव सुमन विश्वविद्यालय में कर्मियों को नियमितीकरण को लेकर चल रहे कार्य बहिष्कार में शामिल 36 उपनल और दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को विश्वविद्यालय ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी साल 2012 में बादशाही हॉल में स्थापित हुई थी। उस वक्त विश्वविद्यालय ने उपनल और दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की तैनाती की थी। ये कर्मी पिछले 7 सालों से विश्वविद्यालय के कामकाज को संभाल रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कई पदों पर ही स्थायी नियुक्ति की गई है, जिसके चलते 44 कर्मियों ने श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के प्रशासन के खिलाफ रोष जताते हुए कार्य बहिष्कार पे चले गए। विश्वविद्यालय ने कर्मियों से काम पर लौटने के लिए कई बार कहा, लेकिन कर्मचारी कार्य बहिष्कार पे डटे हुए हैं। हालांकि हटाने की चेतावनी देने पर 6 कर्मी काम पर लौट गए, जिसके बाद विश्वविद्यालय के कुलपति ने 36 कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ये कर्मी विश्वविद्यालय के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं और कर्मचारियों का कहना है कि अब तो हमारे परिवार भी सड़कों पे आ गए हैं, अब ऐसे में कैसे परिवार का भरण और पोषण किया जाएगा। लगभग हमारे धरने को 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन से प्रशासन हमसे कोई वार्ता करने नहीं आया है। कल शाम को वाइस चांसलर यहाँ मौजूद थे और उन्होंने अपने कर्मचारियों के साथ वार्ता करी थी, परंतु वार्ता विफल रही और उन्होंने आदेश जारी करे थे कि जो लोग आधे घंटे के अंदर ज्वाइन करेंगे उनको हम ज्वाइनिंग दे देंगे। 3:30 बजे तक ये इनकी वार्ता चली थी। आधा घंटे का समय का मतलब होता है 4 बजे तक ज्वाइन करना, परंतु अगर देखा जाए सारे लोगों की ज्वाइनिंग 6:30 बजे के बाद हुई है और वो चहितों की हुई है। और जो 42 कर्मचारी थे उन सबको बाहर कर दिया गया है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी उसके। और जबकि उनकी जो मांगे थी उन मांगों को भी नहीं माना गया और उनको ये संतोष बीच का रास्ता भी नहीं निकाला गया, और जिसका हमें बहुत बड़ा खेद है। और जो धरना प्रदर्शन हमारे द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है कैंपस के मुद्दे के लेकर के लिए, कर्मचारियों की मांग को लेकर के लिए, और जो झूठे केस इन्होंने करे थे उसके ऊपर भी इन्होंने कोई वार्ता नहीं कर ठीक करनी समझी, और ना ही इन्होंने हमारे किसी एक प्रतिनिधिमंडल को अंदर बुलाया। और आज सुबह सुबह सुनने में आया कि वीसी साहब फिर से अपने देहरादून कैंप कार्यालय में चले गए हैं। ये बहुत ही कितने लोगों को अंदर किए? लगभग 6 लोगों की पुष्टि हुई है जिन लोगों को इन्होंने अंदर किया। और 15-16 दिन हो गए जो विश्वविद्यालय का छात्र संघ के प्रति और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रति जो निराशाजनक भाव है, कोई वार्ता करनी उचित नहीं समझी जा रही है। न यहाँ पे जो सरकार का नुमाइंदा है स्थानीय विधायक है वह भी वार्ता में इतनी दिलचस्पी या स्थानीय मुद्दों पर दिखा नहीं रहे हैं। और साथ में हमारा ये भी कहना है कि जो यहाँ पर जिला प्रशासन है वह भी मध्यस्थता इतनी सकारात्मक तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो हमारा सीधे सीधे ये कहना है कि जो यूनिवर्सिटी यहाँ है उसके परिसर बनाया जाए और छात्रों को देखते हुए कर्मचारियों से वार्ता करके विश्वविद्यालय उनकी मांगों का निस्तारण करे। और आज उन्होंने जो यहाँ पर 42 कर्मचारियों को जो बाहर निकालने का आदेश जारी किया है उसमें कई बेरोजगार हैं, कई 8 सालों से यहाँ पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और लगातार यूनिवर्सिटी को जड़ों को मजबूत करने का काम किया। जो आज इन्हें अवार्ड मिले हैं वीसी साहब को, तो इन कर्मचारियों की बदौलत मिले हैं। यदि ये कर्मचारी अपने जो पूरा जीवन था पूरी जवानी यहाँ कर दी और लास्ट जब 40 साल क्रॉस करने के लिए हो गए तो इनके पेट पर यहाँ पर लाद मारने का काम किया गया है।